हेलो स्टूडेंट, आपका एसएससी ऑनलाइन क्लासेस ज्ञानशाला में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर आज अपने मॉडल्स की एक लास्ट क्लासेस है। इसके अंदर हम लास्ट दो मॉडल जो शेष रहे हैं, सेल विल और वुड, इसको आज पूरा डिस्क्राइब करेंगे। जैसे कि हमारे आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सबसे पहले लिखा हुआ है सेल विल। सेल विल जैसे कि हम टेंस के अंदर भी पढ़ते हैं, उसमें हम अगर इसका ट्रांसलेट की अगर हम बात करें कि सेल विल जो है इसका जनरल मीन्स जो है लास्ट के अंदर गा गी गे, अगर मतलब एकदम प्योर जब आपके फ्यूचर की बात होती है तो वहाँ पर जो है सेल विल का यूज़ किया जाता है। लेकिन इसका यूज़ टेंस से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि विल का यूज़ जो है फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी के साथ किया जाता है, और सेल का जो यूज है वो आपके अदर प्रोनाउन। अदर प्रोनाउन का मतलब यहाँ पर मैं लिखने का मतलब है कि जो सेकंड पर्सन है या फिर जो थर्ड पर्सन है, जिसे सेकंड में अगर बात करें तो यू, और थर्ड की अगर हम बात करें तो ही, सी, इट, दे, ये सारे हमारे थर्ड पर्सन में आएंगे। या फिर पर्सन मतलब किसी का व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। ये अगर ये कुछ भी है तो वहाँ पर हम सेल का यूज़ करेंगे। उसके बाद अपन बात करते हैं कि सेल विल का यूज़ जो है किस तरह के वाक्यों के अंदर हम सेल विल का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने ध्यान से दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, जैसे कि डिटरमाइन, यह डिटरमाइन से बना हुआ है। डिटरमिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा जब अपने को होता है किसी चीज़ के लिए तो वहाँ पर हम सेल विल का यूज़ करेंगे। अगर हम किसी से प्रॉमिस कर देते हैं कि मैं ये, ठीक है ना, वादा करते हैं तो वहाँ पर भी सेल विल। कोई चीज़ की हम विश कर रहे हैं, इच्छा जाहिर कर रहे हैं, ठीक है ना, या फिर हम किसी को धमकी दे रहे हैं, थ्रीट कर रहे हैं, या फिर इंटेंशन हमारा कोई किसी चीज़ के बोले क्या इंटेंशन क्या है, हमारा इरादा क्या है, तो ये सभी दिखाने के लिए सेल विल का यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम कुछ सेंटेंस के माध्यम से आप देखें, जैसे आई विल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगा, पहले कहा गया किया गया मैं दिल्ली जाऊंगा। अब आई यहां पर क्या दिख रहा है आपको, फर्स्ट पर्सन। आई यहां पर आपको क्या दिख रहा है, फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है तो हम क्या यूज़ करेंगे, विल का यूज़ करेंगे। तो आई विल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगा, इसका मतलब ये क्या है, या तो मैं कह रहा हूँ कि मेरी इच्छा है मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मेरा इंटेंशन भी हो सकता है दिल्ली जाने के पीछे, या मैं पूरा दृढ़ निश्चय के साथ कह रहा हूँ कि मेरा कोई शेड्यूल है या मेरा कोई एग्ज़ाम है और इसलिए मैं निश्चित रूप से दिल्ली जाऊँगा ही। अगर हमें सेंटेंस अगर सेकंड पर्सन की अगर बात करें कि यू सेल गो टू दिल्ली, आप दिल्ली जाओगे, तो यहाँ पर भी सेल है। हम इसको आई के साथ सेल का भी यूज़ कर सकते हैं, यू के साथ विल का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आई के साथ सेल या यू के साथ विल, उस समय जब हम इसको टेंस के अकॉर्डिंग, जब टेंस के अकॉर्डिंग लेते हैं तो ये प्योर फ्यूचर नहीं होगा, ठीक है ना, जहाँ पर 50-50 चांसेस, जब मॉडल के अंदर बात आ जाती है तो पूरे 100% चांस होता है। नेक्स्ट, आई विल सी हर टुमारो, आई विल सी हर टुमारो, मैं तुम्हें कल मिलूँगा या मैं तुमसे कल देखूँगा, ठीक है ना, कि वो लड़का मान लो किसी लड़की से कह रहा है कि मैं आपसे कल मिलूँगा, इसका मतलब वो उसे क्या कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है कल मिलने का। यू सेल पे ए फाइन, आपको जो है फाइन भुगतान करना पड़ेगा, जो जुर्माना लगा है वो आपको उसको देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, ठीक है ना, एक प्रकार से हम उसको धमकी दे रहे हैं कि नहीं, तेरे पर जो जुर्माना लगा हुआ है वो तेरे को यहाँ पर देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, ही सेल डू इट हिमसेल्फ, वह इसे क्या करेगा, खुद ही करेगा। ये इसका मतलब ये पूरा दृढ़ निश्चय है, पक्का इरादा है कि इस जो भी कार्य है इस कार्य को वो क्या करेगा, खुद करेगा। नेक्स्ट जो है वो अपने हैं वुड, सेल विल की बात हुई, नेक्स्ट जो है वुड है। वुड का यूज जो है, ऐसे तो मैंने यहाँ पर सारे यूजेज लिखे हैं, लेकिन आपके मॉडल टॉपिक जो हैं उसके आधार पर हम बात करें कि मैं ये हमारे जैसे कहाँ गए, जैसे मैं अपने पहले तो आपको पूरा डिस्क्राइब कर देता हूँ, उसमें अपने वुड किन किन तरह के सेंटेंस के अंदर यूज़ हम कर सकते हैं। वैसे जैसे पहला आपको दिख रहा है कि पास्ट ऑफ विल, विल का पास्ट होता है ये, जैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाले जो सेंटेंसेज होते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर जो है वुड का यूज़ जो है विल के पास्ट के रूप में किया जाता है।
फिर है रिपीटेशन इन पास्ट। जब पास्ट कोई भी चीज़ जो है पास्ट के अंदर हम बात कर रहे हैं कि रिपीटेशन हो रहा हो, ठीक है ना, तो वहाँ पर जो है क्या यूज़ किया जाता है, वुड का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। या फिर यूज टू, जहाँ पर यूज टू का यूज़ किया जाता है पास्ट हैबिट के लिए, तो पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए अगर हम मॉडल की बात करें तो वहाँ पर यूज़ किए जाएंगे वुड। उसके बाद कंडीशनल सेकेंड जो सेंटेंसेज है वो जो सेकेंड टाइप है, ठीक है ना, जो सेकेंड टाइप है आपका, जो सेकेंड टाइप के जो सेंटेंसेज होते हैं कंडीशनल के अंदर, जहाँ पर वाज वर से वर की स्टार्टिंग होती है, ठीक है ना, तो वहाँ पर जो है क्या किया जाता है आपके, या फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज इस्तेमाल किया जा रहा है, वे सेकेंड टाइप्स होते हैं, तो वहाँ पर हमेशा वुड का यूज़ करें। फिर वुड का यूज़ जो है पॉसिबिलिटी, हम मॉडल्स की तरफ बात कर चल बढ़ रहे हैं, तो वुड का यूज़ पॉसिबिलिटी के अंदर भी यूज़ होता है। वुड का यूज़ ऑफ़र, कोई भी चीज़ का ऑफ़र हम दे रहे हैं तो वहाँ पर भी यूज़ होता है, और कोई भी और क्या है, ठीक है ना, वांट जो है, जहाँ पर हम कह रहे हैं कि मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ, तो वहाँ पर भी क्या किया जा सकता है, हम इसे वुड का यूज़ कर सकते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल एक्सरसाइज के माध्यम से जो हैं वो इसको हम देखते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि व्हेन आई वाज अ किड, मैं जब एक छोटा बच्चा था, आई वुड गो टू स्कूल, ठीक है ना, मैं स्कूल जाया करता था, तो ये रिपीटेशन ऑफ पास्ट है। पास्ट के अंदर जब वो एक छोटे बच्चे की उम्र में एज में था तो वो रोज़ स्कूल जाता था, मतलब वो रिपीटेशन रोज़ का था, एक दिन गया, दूसरे दिन गया, तीसरे दिन, मतलब जब तक वो एक, ठीक है ना, स्कूल टाइम पीरियड के अंदर था, जब तक उसने स्कूल की एजुकेशन पूरी नहीं कर ली, वो तो लगातार क्या कर रहा था, वो लगातार जा रहा था, पर बात ये भी कह सकते हैं कि वो उसकी पास्ट की हो गई। नेक्स्ट, जैसे कि आई यूज टू गेट अप एट 8, आई वुड गो टू स्कूल, कि ये यूज टू है को ऐसे। अब यहाँ पर हम पास्ट की हैबिट दिखानी हो तो पास्ट की हैबिट के सेंटेंसेज के अंदर हमेशा ये ध्यान रखें कि सबसे पहले यूज टू यूज होता है। अब अगर लगातार पास्ट के सेंटेंस पर, ठीक है ना, पास्ट हैबिट के अगर सेंटेंस मतलब लगातार बनाने हो तो हमेशा ध्यान रखें यूज़ टू केवल फर्स्ट सेंटेंसेज में ही आता है, अगले जितने भी सेंटेंसेज होते हैं वहाँ पर हमेशा वुड का ही यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आई यूज़ टू गेट अप एट 8, कि मैं 8 बजे उठा करता था, ये ठीक है ना, पास्ट की हैबिट बता रहा है कि पास्ट के अंदर वो रोज़ाना 8 बजे उठता था। आई वुड गो टू स्कूल, ठीक है ना, और मैं रोज़ क्या करता था, स्कूल जाया करता था, ये भी उसकी पास्ट की हैबिट है। वुड यू लाइक टू टेक टी एंड कॉफ़ी, वुड यू लाइक टू टेक टी एंड कॉफ़ी, आप अगर हम किसी को ऑफ़र दे रहे हैं कि भई आपके चाय या कॉफ़ी जो हैं इसमें से क्या लेना भाई पसंद करोगे, ठीक है ना, दो ऑफ़र रखें, इसमें से अब इनमें से किसी एक ऑफ़र का उसको चुनाव करना है, तो उसका स्टार्टिंग जो है हमेशा किससे करेंगे, वुड से करेंगे। नेक्स्ट है कि इफ़ आई वेंट ही वुड कम होम, ये हमारे जो मैंने कहा था कि कंडीशनल सेंटेंसेज जो सेकंड टाइप के जो वाक्य होते हैं ये दोनों वही हैं, ये जो आपको दो दिख रहे हैं कि इफ़ आई, कंडीशनल सेंटेंस हमेशा ये याद रखें कि कंडीशनल सेंटेंस जो होता है वो हमेशा इफ से स्टार्टिंग होती है, कि इफ़ आई वेंट, यदि मैं गया, ही वुड गो होम, तो वगैरह आएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ। नेक्स्ट, आई इफ़ आई वर द PM, वर्ब अगर वर्ब नहीं है तो वहाँ पर जो है वर्ग के केवल वर्ग का ही यूज़ किया जाता है कंडीशन सेकंड टाइप के अंदर, कि इफ़ आई वर द PM, कि यदि मैं क्या होता, प्राइम मिनिस्टर होता, आई वुड हेल्प यू, तो मैं निश्चित रूप से आपकी सहायता करता, तो ये हमारे कंडीशनल सेंटेंस के अंदर भी जो है सेंटेंस वुड का इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट, आखिरी वाक्य जो है हमारा, इसके अंदर दिख रहा है कि जैसे कि वुड यू डांस विद मी, ये एक प्रकार से क्या है, ऑफ़र है, ये भी एक प्रकार से ऑफ़र हो सकता है कि मैं कहता हूँ वांट है, मैं इच्छा, मेरी इच्छा आई, ठीक है ना, कि क्या मेरे साथ क्या करोगे, डांस करोगे, ठीक है ना, वुड यू डांस विद मी, क्या मेरे साथ डांस करोगे, तो मैं ये चाहता हूँ, ये देखता हूँ कि आज के इस जो मॉडल का आपका आखिरी वीडियो था इसकी आपको बड़ा ही अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ आप मेरे इस चैनल के साथ लगातार बने रहें, इसके लिए जो है थैंक्स फॉर वॉचिंग आपको।
थैंक्स फॉर वॉचिंग आप सबके लिए। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे क्या कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने जो दोस्त हैं, केवल आप ही केवल नहीं, ऐसे कि नहीं मेरे को फ़ायदा मिल रहा है मेरे दोस्त को फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। आपके अपने दोस्तों को भी फ़ायदा पहुँचाओ, है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, ठीक है ना। शेयरिंग करने से आपका भी फ़ायदा होगा और अपने जो सगे संबंधी दोस्त वगैरह हैं वो भी आपको याद रखेंगे, नहीं क्या उसने एक अच्छा वीडियो जो है मेरे को शेयर किया। और आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब भी आप कीजिए। और यदि कोई समस्या हो तो आप नीचे जो है कमेंट बॉक्स के अंदर जो है आप इसे ज़रूर कुछ ना कुछ जो भी समस्याएं आपके सामने आ रही हो उसे आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर जो नीचे हैं उसके अंदर आप इसे लिखिए। धन्यवाद।